हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं लॉ कैप्सूल सीरीज जो कि हमारी टीम द्वारा चलाई जा रही है। पर्टिकुलरली अभी वीडियोस मैं ही बना रहा हूं, कि मैं आदित्य और मैं ही वीडियो भी बना रहा हूं। आगे हमारी टीम के और भी मेंटर्स जो है इस सीरीज से जुड़ेंगे, तो आप सबको थोड़ा वेट करना होगा। और एक वीडियो पहले जा चुकी है, आई होप एक प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आपने उसको देखा भी होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट पर जाइए, उस पर क्लिक करिए और आप जाके देखिए। प्लेलिस्ट का नाम होगा लॉ कैप्सूल सीरीज और उसमें आपको क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और पूरी वीडियो आपको वहां पे पड़ी हुई है। तो आइए चलिए विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहां जो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि जो सीरीज चल रही है इसमें कुल मिलाकर चीजें हैं क्या। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। अभी 10 क्वेश्चन ही चल रहा है जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ था। सो वही चीज है, अभी भी 10 क्वेश्चन ही है और आगे जैसे जैसे वीडियोज आएंगे हम फ्रीक्वेंसी जो है क्वेश्चंस फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे वीडियोस की और साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे। सो चलिए विदाउट हैविंग फर्दर डिस्कशन बहुत टाइम नहीं लॉस करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा विद रेफरेंस टू द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी नालसा की बात की जा रही है। कंसिडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें यहाँ क्या करना है कि नालसा के रिगार्डिंग जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आप सब देख सकते हैं ऑप्शंस है हमारे पास। इट वॉज फॉर्मड इन 1989 की बात की जा रही है। उसके बाद बात की जा रही है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज पैट्रॉन इन चीफ ऑफ नालसा। हमारा थर्ड ऑप्शन है हमारे सामने, इट्स पर्पज इज टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स। अब हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को जो है वो चूज करना है। तो आपको क्या दिख रहा है, अगर आपने नालसा के बारे में पढ़ा होगा तो अभी तक आपको करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट वन होगा। अब क्यों फर्स्ट वन होगा, इसके पीछे भी भाई रीजंस हैं। अब सामान्य सी बात है, आप लॉ के एस्पिरेंट हैं तो आपको हर एक चीजों के पीछे आपको रीजंस पता होने चाहिए। मैं सिंपल से बताना चाहूंगा कि ये जो आपको 1989 दिख रहा है यानी कि 1989 दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। अब कैसे गलत है इसके पीछे आप देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1987 यानी कि ये 1987 में इसका गठन हुआ था और नालसा एक एक्ट भी आया हुआ था। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान में जो है इसके कौन संरक्षक हैं या पैट्रॉन इन चीफ कौन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे और आगे वीडियोस में मैं एक बार फिर आपसे पूछूंगा भी। तो ये थी ओवरऑल डिटेल नालसा के बारे में। और देखिए जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं तो वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वही इसके पैट्रॉन इन चीफ भी होंगे, तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए आगे चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन होगा आप सबसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाई डेजिग्नेटिंग इट एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके माध्यम से दिल्ली को एक विशेष दर्जा दे दिया गया था, यानी कि एक विशेष राज्य का कह सकते हैं, विशेष राज्य तो नहीं कह सकते लेकिन एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था। और वो स्पेशल स्टेटस क्या था कि उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कह दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हम अभी देखेंगे, आपको स्क्रीन पे ऑप्शन भी दिख रहे होंगे कौन कौन से ऑप्शन है स्क्रीन पे। तो हमारा पहला ऑप्शन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए ये आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा। सेकंड ऑप्शन है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जा रही है यानी कि 52वें संविधान संशोधन की बात की जा रही है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 86वां संविधान संशोधन। और लास्ट वाला है यानी कि लास्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए आपको विचार करना होगा कि आखिर किस संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो है दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया था और वो विशेष दर्जा क्या था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के यानी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आई गेस आप सबको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 69th जो अमेंडमेंट हुआ था यानी कि 69वां संविधान संशोधन हुआ था वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये कब हुआ था ये बहुत बड़ी बात है आप सबके लिए जानना, ये हुआ था 1991 में हुआ था यानी कि 1991 में ये एक्ट आया हुआ था। अब देखिए 1991 में ही भारत में क्या होता है, LPG होता है यानी कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आइए दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 42nd यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिख रहा है, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन था उससे आपको तमाम फैक्ट्स दिख जाएंगे। अब कौन कौन से फैक्ट्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, पहला फैक्ट आप नोट करके रखिए। और इसके ही माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में
फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करे गए हैं, जहां से ऑलमोस्ट जो भी आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने की इच्छा बनाए हुए हैं वहां से एक क्वेश्चन वहां के बिल्कुल मान के चलिए कि वहां से क्वेश्चन बन नहीं है, तो आपको वो जाना जरूरी है। अब देखिए वो जो फंडामेंटल राइट्स है इसी कहीं ना कहीं इसी संविधान संशोधन के थ्रू वो जोड़ा गया था। अब देखिए अब बड़ी बात ये आती है आपके सामने कि फंडामेंटल राइट्स किस कमिटी के जो सिफारिश पे उसको लागू किया गया था या इम्प्लीमेंट किया गया था या जोड़ा गया था, तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी और उसके आगे अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये था 42वां संविधान संशोधन, इसके बारे में और भी फैक्ट्स है आप जाके खुद से भी पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं 52वां संविधान संशोधन। देखिए जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो कब होता है, तो वो होता है आपका 1985 में। कब होता है आपका 1985 में। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, सॉरी करेक्ट आंसर तो नहीं कह सकते लेकिन इसका जो ये कब आया था, तो ये कब आया था, ये 1985 में आया था। ये कहीं कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ की आपने बात सुनी होगी जो कि 10th शेड्यूल में है, उसी के बाद यहाँ पे की जा रही है। किसके माध्यम से, 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से बात की जा रही है। अब देखिए इसमें क्या था कि आपने सुना होगा कि पॉलिटिक्स में जो है जब लोग चयनित हो जाते हैं, यानी कि चयनित तो नहीं कह सकते लेकिन उसे हम ये कह सकते हैं जब इलेक्टेड हो जाते हैं, जब लोग चुन लिया जाता है उनको, तो उसके बाद क्या होता है कि चयनित भी कहीं कहीं कह सकते हैं, तो लोग एक दल से दूसरे दल की तरफ जाने लगते हैं। तो जब ये सारी घटनाएं बहुत व्यापक तौर पर हो रही थी तो कहीं ना कहीं सरकार ने ऐसा सोचा कि ये जो दल विदल चल रहा है इस पर रोक लगाना चाहिए, इस पर अंकुश लगाना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करना चाहिए और एक बिल्कुल कठोर नियम बनाना चाहिए कि एक हार्ड और रिजिड रूल बननी चाहिए कि ये इतनी आसानी से ना हो सके। अभी भी प्रोविजंस हैं, एक आपको वेल स्टैब्लिश प्रोसेस है उसके थ्रू जो है वो दल बदल हो सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी रिजिडिटी है, वो इतना आसान नहीं है और जितनी आसानी से उस टाइम होता था, इसीलिए सरकार ने जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लाया था। और देखिए इसी के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में जो है वो 10th शेड्यूल, कौन सा 10th शेड्यूल को जो है वो ऐड करा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, 10वीं अनुसूची जो है वो ऐड करी गई है। अब बात कर लेते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। मैं किसकी बात करने की बात कर रहा हूँ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए जो 86वां संविधान संशोधन था उसमें क्या देखे उससे वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या था कि इसके माध्यम से जो था कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा गया, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो ये थी कि बेसिकली एक ही चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट किस लिए है कि इसी के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, यानी कि अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। अब इसमें क्या था, इसमें आप देखिए राइट टू एजुकेशन की बात आपने सुनी होगी, यानी कि शिक्षा के अधिकार बात जो है कि बात जो है इसी आर्टिकल में किया गया 21(21A) में। अब देखिए ये कब लाया गया था, यानी कि कब आया था, इसकी भी बात करनी जरूरी है। तो ये आया था 2002 में, ये कब आया था आपका 2002 में आया था। अब सामान्य सी बात आती है कि इसमें क्या था क्या नहीं था, तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके बारे में बात की कि उनकी जो शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए। अब यह हो गई, आगे चलते हैं और लास्ट ऑप्शन आपने देख लिया 69वां संविधान संशोधन क्या था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 रिलेट्स टू। हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो 97वां संविधान संशोधन था वह किससे संबंधित था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये देखते हैं। पहला ऑप्शन आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिख रहा होगा, सेकंड ऑप्शन है लोकपाल एंड लोकायुक्त, थर्ड ऑप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फोर्थ ऑप्शन है इंडिया एंड बांग्लादेश इनक्लेव एक्सचेंज। तो करेक्ट आंसर आप सबको पता लग गया होगा, नहीं पता है तो ये करेक्ट आंसर आपका होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब देखिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2011 में आया था वह जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आप गाँव में सुने होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको विकसित करने के लिए, जो रूरल इंडिया का प्रोग्रेस है उसको और बूस्ट करने के लिए इसको लाया गया था। और कहीं ना कहीं इससे जरूर कुछ ना कुछ आप मान सकते हैं, मान कह सकते हैं ये है भी कि इससे जो है प्रोग्रेस हुई है, ये एक सिनेरियो रही। अब आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात की जा रही है, इसके लिए जो है वो इससे संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, तो इससे संबंधित है संविधान संशोधन 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो जीएसटी से संबंधित है। और यह जो है एक्ट कब आया था, यानी कि जीएसटी का जो एक्ट आया था वो आया था 2016 में, और ये लागू कब हुआ था, तो ये 1 जुलाई 2017 से, यानी 1st of July 2017 से ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, यानी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। आगे चलते हैं,
लोकायुक्त और ये आपका लोकपाल दिख रहा होगा। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट आपके लिए बस यही है कि इसके लिए 116 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल आई थी, यानी एक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 116 बिल की, मैं बात कर रहा हूँ संविधान संशोधन बिल की जो 2011 में लाया गया था। कहीं ना कहीं कहाँ पे लाया गया था, 2011 में लाया गया था, उस टाइम पे इसको ये फेल हो गया था, यानी कि ये पास नहीं हो पाया था। बाद में 2013 में ये लोकपाल एंड लोकायुक्त अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बना भी है। अब देखिए इसमें जानने की बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह कि वर्तमान में जो है वो अपने यहाँ के यानी भारत देश के लोकपाल कौन है, तो अपने यहाँ के वर्तमान में लोकपाल कौन है, जस्टिस पिनाकी चंद्र मिश्रा। ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको दिखता है इंडिया बांग्लादेश इनक्लेव एक्सचेंज। क्या दिखता है आपको? इंडिया बांग्लादेश इनक्लेव एक्सचेंज, इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 100, यानी कि 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो इसके साथ हुआ था, बांग्लादेश के साथ हुआ था। ये कब हुआ था ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 2015 में हुआ था। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आप सबसे, द ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग अ डिवाइन आइडल इज कॉल्ड, यानी कि एक डिवाइन आइडल को जो है कहीं कहीं तोड़ देना या उसको क्षतिग्रस्त कर देना या उसको कहीं कहीं तरीके से डैमेज पहुंचा देना, उसको क्या कहा जाता है या किस रूप में वो जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा इन ऑप्शंस में से होगा, और इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो वो होगा सैक्रिलेज। इसको क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज। अब देखिए, अब एक आपको अलग ऑप्शन दिख रहा होगा, दैट इज सैल्यूस पॉपुली। अब सैल्यूस पॉपुली का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो है ये लैटिन मैगजीम है, ये क्या है, लैटिन मैगजीम है, जहां पे क्या बात करी जाती है, यहाँ पे ये बात की जाती है कि जो लोगों का भला है, लेट द पीपल गुड बी एट द सुप्रीम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लोगों का भला है या फिर लोगों की जो हेल्थ है, हेल्थ का मतलब जो लोगों की प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब यहाँ पे लोगों के जो हित है वो सुप्रीम लॉ होने चाहिए, लेट द गुड ऑफ द पीपल बी द सुप्रीम लॉ, ये बात करता है सैल्यूस पॉपुली, ये बात करता है। आगे चलते हैं, और देखिए जो लीगल मैगजीम है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी लॉ के एग्जाम के लिए, स्पेशली 5 ईयर लॉ के एग्जाम्स के लिए, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज से ही आते हैं, कुछ फिक्स्ड एमसीक्यूज ही हैं, मैगजीम्स ही हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। मैगजीम्स की संख्या काफी बड़ी है, काफी ज्यादा है, लेकिन कुछ फिक्स्ड हैं, उन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर ब्लास्फेमी की बात की जा रही है, यानी कि किसी भी देवी देवता की बात की जाए या फिर किसी डिवाइन फिगर की बात की जाए, अगर उसकी कोई निंदा करता है, कह सकते हैं कि आप मान के चलिए कि रिटन वर्ड्स में या स्पोकन वर्ड्स में, यानी कि बोल करके या फिर लिखित रूप में, तो यही कहीं वही मौखिक रूप या लिखित रूप किसी भी रूप में अगर वो निंदा करता है, डिसरेस्पेक्ट करता है, या फिर सोसाइटी में जो है कि ईर्ष्या का जो है कि भाव फैलाता है, तो वो क्या होता है? ब्लास्फेमी। अगर आगे हम बात करें कॉन्स्पिरेसी की, तो आप सब जानते हैं षड्यंत्र को क्या कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन अभी तक के, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज बोरोड फ्रॉम, उनसे क्या पूछा जा रहा है कि वित्तीय आपातकाल जो है वह कहाँ से लिया गया है या फिर कहाँ से उद्धृत है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, रशिया है आपका ऑप्शन, उसी के साथ यूएसए भी ऑप्शन में है, और यहाँ पे क्या आपका यूके एंड जर्मनी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी, आप सबको पता चल गया होगा, द करेक्ट आंसर वुड बी जर्मनी। अब जर्मनी होगा, इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की, किस आर्टिकल में है आपको, जो भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 में मिलेगा, इससे रिलेटेड फैक्ट्स कुछ और देख लेते हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि ये आज तक कभी लागू नहीं किया गया, नो नेवर, ठीक है, अभी तक लागू नहीं किया गया है। अब आइए कुछ और इमरजेंसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कुल 3 प्रकार की इमरजेंसी है, एक को हमने डिस्कस कर लिया, 2 बचे हुए हैं। एक आता है नेशनल इमरजेंसी, एक क्या आता है नेशनल इमरजेंसी, वो जो है किस आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 352 में, ठीक है। अब एक आता है जो कि राज्यों में लगता है, जब राज्यों में जो सरकारी तंत्र है, जो शासन है वो फेल हो जाती है, तब वहां पर राज्यों में आर्टिकल 356 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है वो वहां पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है या आपातकाल लगाया जाता है। अब देखिए वो किस आर्टिकल में है, वो 356 में,
ये आपको बिल्कुल याद रखना जरूरी है। अब देखिए जो नेशनल इमरजेंसी अपने देश में सबसे प्रथम बार कब लगी थी, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये 1962 में लगी थी। अब 1962 में क्यों लगी थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया और चाइना वार हुआ था, यानी भारत और चीन से युद्ध हो गया था, आप सबको पता भी होगा, ठीक है। तो ये पहली बार लगा था, उसके बाद नेशनल इमरजेंसी आप सबको पता ही है, तो ये सारे सिचुएशन आप सब जानते ही रहिए। आगे चलते हैं, अब यूएसए से क्या कर लिया गया है ये भी देख लेते हैं। यूएसए से पहली चीज ये आपसे जुडिशियल रिव्यू ली गई है, जुडिशियल रिव्यू अब ली गई है। उसके बाद क्या लिया गया है, आपका फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। उसके बाद क्या लिया गया है, आपका प्रेसिडेंट का जो पद है वो कहीं और से नहीं, वो यूएसए से ही लिया गया, यानी राष्ट्रपति का जो पद है वो कहीं और से नहीं, यूएसए से ही लिया गया है। आगे हम देख लेते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वह भी कहीं और से नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही लिया गया है। तो ये थे डिटेल्स कि कौन कौन से प्रोविजंस जो है वो यूएसए से लिए गए हैं। आइए हम आगे कुछ और भी डिटेल्स देख लेते हैं कि कौन से डिटेल्स कहाँ से लिए गए हैं, कौन से प्रोविजंस कहाँ से और देशों से लिए गए हुए हैं। आगे यहाँ पे आपको देखिएगा यूके, यूके से क्या क्या लिया गया है ये हम देख लेते हैं। सो यूके से कुछ प्रोविजंस जो प्रमुख हैं, जो जानना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो देखेंगे हम। सो इसमें पहला आता है आपका जो सिटीजनशिप है, आपने सुना होगा सिटीजनशिप, यानी कि एक हरी नागरिकता की बात की गई, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। अब जो सिंगल सिटीजनशिप है उसका प्रोविजन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे और भी प्रोविजंस हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आप सबको पता होगा बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, कि यानी कि जो द्विसदनात्मक जो संसद की व्यवस्था है वह भी कहाँ से ली गई है, वह इंग्लैंड से ली गई है, यानी कि यूके से ली गई, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। उसमें भी क्या है, बाइकैमरल का मतलब क्या है कि दो सदन है, यहाँ क्या कौन कौन सा है, एक है आपका राज्यसभा, एक है आपका लोकसभा। इसके बारे में डिटेल्स आप सब जाके पढ़ेंगे। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको मैं यूएसए डिस्कस कर लिया, यूके डिस्कस कर लिया, जर्मनी डिस्कस कर लिया, बचता है आपका रशिया। अब रशिया से क्या लिया गया है ये भी जान लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो रशिया से क्या लिया गया है, सबसे पहला चीज जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य जो है वह यहीं से लिए गए हैं। आगे मौलिक कर्तव्य के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखिए रशिया से ये लिया गया है, उसी के साथ साथ उस समय रशिया क्या था, यानी कि और भी प्रोविजंस लिए गए हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख यह है फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखिए रशिया उस समय क्या था, यूएसएसआर था, ठीक है, यूएसएसआर था, इसका यानी कि सोवियत यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब इसका डिसइंटीग्रेशन कब हुआ, यानी कि इसका विखंडन कब हो गया, तो यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यह कब हुआ था, 26 दिसंबर 1991, यानी कि 26 दिसंबर 1991 को इसका जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन हु अंडरगोज अंडरग्राउंड और इवेट्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज नोन एज, यानी कि वह व्यक्ति जो अंडरग्राउंड चला जाता है या फिर जो न्यायालय का न्यायाधिकार क्षेत्र है उससे बाहर जाने के प्रयास करता है, कहीं ना कहीं वह जब भी मान लीजिए कोर्ट में बुलाया जाता है पेशी के लिए तो नहीं जाता है, या जो भी चीज़ हो ऑफिशियल्स के जो मतलब न्यायिक क्षेत्र में बुलाया जाता है उसको किसी भी कार्य के लिए तो नहीं जाता है, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा टर्म होता है एब्सकेंडर कहते हैं उसे, ठीक है। और ये ऑफेंडर क्या होता है भाई, ऑफेंडर जो भी क्राइम करता है कहीं ना कहीं, जो भी गिल्टी होता है, जो ऑफेंड करता है, यानी ऑफेंड मतलब क्या हुआ, किसी भी लॉ को ऑफेंड करे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीधे सीधे वो उसको कहते हैं हम ऑफेंडर कहते हैं। अब क्रिमिनल क्या होता है, आप समझ सकते हैं क्रिमिनल का कुछ भी हो गए, वही व्यक्ति हो जो कोई भी क्राइम करे, ठीक है, अगर व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं। अब आगे बात आती है एब्सेंटी की, एब्सेंटी का मतलब क्या होता है कि कहीं भी आप उपस्थित ना हो, गैर हाजिर होना, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सेंटी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें ये टर्म्स जो है वो क्लियर हो गई, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के एलएलबी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसलिए मैंने एग्जाम्स बोला है। उसके बाद आइए देखते हैं, ये सेवंथ क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको नॉट पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि कौन से व्यक्ति या कौन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुना जाता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर पूछा गया कि कौन नहीं चुना जाता है। ऑप्शंस की तरफ आते हैं, आपका पहला ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, उसके बाद एडवोकेट जनरल, उसके बाद ऑप्शन है आपका
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसके बाद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एडवोकेट जनरल। अब देखिए एडवोकेट जनरल जो होता है, अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए जो एडवोकेट जनरल होता है, जो उसकी स्थिति राज्य स्तर पर होती है, वही स्थिति जो अटॉर्नी जनरल होता है उसकी केंद्र स्तर पर होती है। अब अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए अटॉर्नी जनरल जो होता है ये संविधान के यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 76 में इनका जिक्र है। और ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो चयनित किए जाते हैं, यानी कि इनको चुना जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं। और इनको पूरी पूरी पावर है कि ये संसद के जो सदन है उसमें उनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकते। और यही कंडीशन जो है राज्यसभा उसी के साथ साथ ये लोकसभा दोनों में ये पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं कार्यवाही में, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कोई वोटिंग नहीं कर सकते। यही कंडीशन एडवोकेट की राज्य स्तर पर होती है, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में ये इसकी कार्यवाही में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि वहां वोटिंग कर सकते हैं। ये रही बात। आइए अब देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनको कैसे चुना जाता है। तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति इसमें क्या करता है कि जो राज्य का गवर्नर होता है और जो सीजीआई यानी कि सीजीआई प्लस गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ द कंसर्न स्टेट, जो कि संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है, उन दोनों से सलाह मशवरा करके जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट यानी कि किसी भी राज्य के हाईकोर्ट का जो है वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। तो ये रहा सारे डिटेल्स। लास्ट में आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। आप सब जानते भी होंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे देश में, एक सक्सेसफुल तरीके से कहीं ना कहीं एक सफल चुनाव कराने में बहुत बड़ा हमेशा से योगदान रहा है, और कहीं कहीं हमारे लोकतंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो संस्था है। तो इसके बारे में अगर फैक्ट्स आपको जानना हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, तो आप सबसे सिंपल पहले ये जानिए कि सबसे प्रथम जो है वो चुनाव आयुक्त कौन था। तो जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन जी। कौन थे? सुकुमार सेन जी। और इन्होंने इनकी बुक अगर आप पढ़ेंगे, और स्पेशली आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप 11th बुक की बुक पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उस समय चुनाव कराना कितना कठिन था। खैर वो सारी चीजें अलग बात है, उस पर कभी और डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये फैक्ट जो है जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में अगर पूछ लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन की जिक्र कहाँ की गई संविधान में, ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 324, और इससे आगे भी आर्टिकल्स है यानी कि 324 टू 329 तक आई होप है, यानी कि इसको आप एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा, लेकिन ये मैं बिल्कुल श्योर हूँ और आई होप वो भी करेक्ट है। तो आगे चलते हैं, ये थोड़े बहुत स्लाइड जो डेटा एंड फैक्ट्स के कभी कभी डिफरेंसेस हो सकते हैं, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रीएम्बल यानी भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें शामिल नहीं है। आइए देखते हैं। पहला है सॉवरन यानी कि संप्रभुता, आप सिंपल समझ रहे होंगे इसका मीनिंग। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, और इसका तीसरा है शब्द सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कह लीजिए। धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ प्रस्तावना के संबंध में बात हो रही है, तो यहाँ पे पंथ निरपेक्ष की शब्द की ही बात की जानी चाहिए। मोरालिटी यानी कि आप जो ही समझिए मोरालिटी की बात की जा रही है। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, आप एग्जाम्स में अक्सर गलती करते हैं जो भी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, लेकिन नॉट जो वर्ड होता है इसको हम नहीं जो है वो देखते हैं, नहीं सीधे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। हम इसी में से ऊपर हमें ऑप्शन दिख जाता है, हम सॉवरेन टिक करके चले आते हैं, बाद में हमें लगता है कि आंसर गलत है। क्यों गलत होता है? क्योंकि हम जो नॉट वर्ड है इसको हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोरालिटी। मोरालिटी जैसा कोई शब्द जो है वह हमारे प्रीएम्बल में नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है। अब देखिए ये जो सॉवरेन है ये शब्द है, अब देखिए ट्रिक आता है हमारे भारतीय संविधान को, जब आप प्रस्तावना पढ़े होंगे तो वहां पे 5 शब्द आपको मिलते हैं, उनकी ट्रिक तो नहीं कह सकते, एक सिंपल सी ट्रिक है, उसको ट्रिक कहना नहीं सही है, सिंपल से समझने के लिए है, SSDR। अब देखिए इनको कैसे समझना है, SSDR। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इस एस से आपको SO मिल रहा है यानी सॉवरेन मिल रहा है, SOC मिल रहा है यहाँ से यानी कि सोशलिस्ट मिल रहा है। अब देखिए यहाँ से आप ये ले लीजिए, ठीक है, सोशलिस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या उठाएंगे, जो तीसरा वाला शब्द यहाँ से आप SECU यानी कि सेक्युलर हो गया, ये क्या हो जाएगा डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, और ये क्या हो गया लास्ट में रिपब्लिक। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर बताया जाए तो ये हो जाएगा आपका संप्रभुता यानी कि संप्रभु, और यहाँ पे ये क्या है समाजवादी, और यहाँ पे ये है
आपका सेकुलर मतलब कि पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोकतांत्रिक और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा गणराज। अब देखिए ये सारे पूरे डिटेल्स थे जो आपको जानना जरूरी है। अब प्रीएम्बल से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए प्रीएम्बल जो है वो आज के समय में इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं, आपको पढ़ना चाहिए उनसे रिलेटेड केसेस। लेकिन वर्तमान समय में प्रीएम्बल जो है वह यह माना गया है, सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स में ये बताया है, अपने जजमेंट्स में ये बताया हुआ कि ये जो वर्तमान में जो है यह संविधान का भाग है। इस पर बहुत सारे केसेस हैं, आपको पढ़ना चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि पार्ट है नहीं है। अल्टीमेटली केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है, केशवानंद भारती का केस आपने पढ़ा होगा, उसमें कहती है कि जो ये प्रीएम्बल है यानी प्रस्तावना है ये जो भारतीय संविधान का एक पार्ट है। अब देखिए ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होगा आप पढ़िएगा और जो भी डिटेल्स होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तभी हम इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। और इससे रिलेटेड एक कुछ और फैक्ट्स है, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रीएम्बल में जो है एक बार संशोधन हुआ है। इंट्रेंस एग्जाम्स में या किसी भी लॉ के एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीएम्बल में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो केवल एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार। और कब हुआ है? वो 1976 में, जो कि स्टार्टिंग में जिसकी मैंने बात की कि जो 1976 में 42nd अमेंडमेंट होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है, उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब उसी का जो खेल है कह सकते हैं, उसी के प्रोविजन अभी तक यहाँ तक चल रही है। तो देखिए वो जानना हमें बहुत ही जरूरी हो जाता है। उस समय तीन शब्द जो है वो जोड़े गए थे, कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम आर, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि क्राइम का जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है। सो डायरेक्ट ऑप्शंस की तरफ आते हैं, मोटिव, मेंस रिया एंड एक्टस रिया, मोटिव इंटेंशन एंड एक्टस रिया, देन अगेन मेंस रिया एक्टस रिया, देन लास्ट वन इज नॉलेज इंटेंशन एंड एक्शन। सो करेक्ट आंसर जो होगा आपका सीधे सीधे जब आप आईपीसी पढ़े होंगे और भी सारे जैसे डिटेल्स आपने आईपीसी से रिलेटेड पढ़ी होगी क्राइम के बारे में, तो आपको करेक्ट आंसर लिखा होगा मेंस रिया एंड एक्टस रिया। अब मेंस रिया के बारे में जान लेते हैं कि मेंस रिया होता क्या है। अब सामान्य सी बात है कि जो मेंटल स्टेट होती है, मेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी मेंटल स्टेट से बात की जा रही है, कि जो क्राइम का मेंटल एस्पेक्ट होता है उसकी बात की जा रही है। और देखिए यहाँ एक्शन से क्या बात की जा रही है, एक्शन सॉरी एक्टस से बात की जा रही है एक्शन की, कि आपने उस क्राइम में क्या एक्शन किया है, क्या आपका फिजिकल जो है वो अपीयरेंस रहा है, मतलब कि फिजिकली आपने क्या क्राइम किया है, ये सारी जो चीजें हैं वो एक्टस दिया हुआ। और ये मेंस ये क्या हुआ कि जो मेंटल गिल्टी है, ये मेंटल गिल्ट जो है उसको हम कहते हैं, उस एस्पेक्ट को क्या कहते हैं हम, वो मेंस ये कहते हैं। और जो आपके फिजिकल गिल्ट है कह सकते हैं कि जो फिजिकल अपीयरेंस में गिल्ट है वो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टस रियस कहते हैं। ठीक है, इट्स ऑल राइट, मुझे उम्मीद है आप सबको चीजें समझ में आई होंगी। आइए अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कानून मंत्री के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है। और ये बिल्कुल रिसेंट मैटर है, आप सबको पता भी चला होगा। तो जो करेक्ट आंसर है आप इनको गेस कर रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद जी जो है वो वर्तमान में हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उनके अंडर में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजनाथ सिंह। जो राजनाथ सिंह जी तो हमारे क्या है, रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होंगे। और हर्षवर्धन जी अब हमारे कैबिनेट में नहीं रहे हैं, इसके पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। अब देखिए अब बात करते हैं, ये अभी भी ये जो रविशंकर जी इनको कैबिनेट से कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दिया, इन्होंने इनको बाहर कर दिया गया हुआ है। सो ओवरऑल आपको पता चला होगा, रिसेंट न्यूज आपने देखी होगी इनके बारे में भी। तो ओवरऑल ऑप्शन में क्या बचता है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड से भी हम लगाएंगे इसका करेक्ट आंसर, तो हमको क्या मिलेगा, किरण रिजिजू विल बी द करेक्ट आंसर। किरण रिजिजू जी को जो है वर्तमान में लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। तो ओवरऑल ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस आज के। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, आप क्या चाहते हैं, कौन से और वीडियोज चाहते हैं, क्या आपको कुछ सजेशंस देनी है कि और क्या किया सकता है कि वीडियो आपके लिए और बेहतर बने, तो आपकी सजेशन जो है वो बिल्कुल वेलकम मैं करता हूँ कि वो कमेंट बॉक्स में आए और मैं इंतजार करूँगा। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। सो इट्स ऑल, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। एंड एट द लास्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी एच यू पार्सल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।